ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीकानेर की कोलायत में लगने वाले मेले में इस बार कई खास आकर्षक रंग होंगे। खास बात यह है कि जिला प्रशासन ने इसे पुष्कर से जोड़कर प्रचारित करना चाह रहा है, क्योंकि कोलायत का कपिल सरोवर भी प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पर पहचान रखता है। बीकानेर के कपिल मुनि सरोवर पर लगने वाला मेला भी अपने आप में विख्यात है। इस मेले में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के जुटने का दावा किया जाता रहा है। इन सब के बावजूद कोलायत में कभी अधिक फोकस नहीं रहा, लेकिन इस बार उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की सक्रियता और एक्टिव जिला कलेक्टर के चलते कोलायत मेले को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कपिल मुनि की जो धरती कोलायत है अपने आप में एक पर्यटन स्थल है, और इसमें टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। इतना सुंदर जगह है, जो सरोवर है, सरोवर के चारों तरफ जो बने हुए प्राचीन मंदिर हैं अपने आप में विलक्षण है और बहुत ही सुंदर जगह है। इस जगह को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए इस बार प्रयास किए जा रहे हैं, और आगे जो कोलायत मेला आ रहा है इसमें वैसे ही लाखों लोग आते हैं, सरोवर में डुबकी लगाते हैं, तो इसको साफ सुथरा करने का, इसको और बेहतर करने का, इसको सुंदर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोलायत के कपिल मुनि सरोवर की साफ सफाई पर भी खास फोकस किया जा रहा है। विशेष तौर पर सरोवर की सफाई के लिए बाहर से मशीन मंगवाई गई है। 1100 दीपक के साथ महाआरती होगी। कपिल मुनि पार्क में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। मेले को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए प्रयास रहेगा। पुष्कर मेले की थीम पर कार्यक्रम होंगे। मेला परिसर में बने 52 घाट रोशन रहेंगे। मेले में सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी फोकस रहेगा। कलेक्टर का कहना है कि पुष्कर मेले का जो समय होता है करीब उसी वक्त कोलायत मेला होता है। ऐसे में प्रयास है कि पुष्कर आने वाले पर्यटक कपिल मुनि के इस मेले का भी आनंद लें। पुष्कर मेला और कोलायत जो फेस्टिवल होता है उसका समय लगभग समान होता है। जब पुष्कर मेला खत्म होता है तब कोलायत वाला यहाँ ये मेला लगता है। तो इसमें जो है हमारी प्लानिंग यही है कि पुष्कर में भी कोलायत का प्रचार किया जाए, और दोनों जगह रिलीजियस टूरिज्म है, तो एक नेचर के लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और निसंदेह इससे जो है कोलायत को के टूरिज्म को जरूर बढ़ावा मिले। हालांकि बिना प्रचार प्रसार भी इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन जिस तरह से तैयारियों में जुटा है उसको लेकर श्रद्धालुओं की बढ़ने की उम्मीद है। कपिल मुनि की तपोभूमि कपिल सरोवर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यहाँ का धार्मिक इतिहास भी समृद्ध है, तो वहीं सिख धर्म के अनुयायी भी इसी दिन इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की असक्षमता और प्रशासन की लापरवाही के चलते इस कपिल मुनि के मेले को उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी पुष्कर की है, खास तौर पर पर्यटन के लिहाज से। इस बार जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम न केवल सक्रिय हैं बल्कि मेले में कुछ नई चीज़ें भी कर रहे हैं। खास तौर पर इस मेले को इस बार पुष्कर के साथ क्लब भी किया जा रहा है, ताकि पर्यटक भी कोलायत तक आएं। अब देखना होगा प्रशासन की कोशिश कितनी सफल सिद्ध हो पाती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।